हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार हुई महिला से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ा रैकेट है जो सिर्फ नेताओं को ही टारगेट करता था। इस रैकेट में इस महिला के साथ एक और लड़की भी शामिल है। इतना ही नहीं, ये महिला मुजफ्फरनगर के क्रिमिनल के संपर्क में भी थी। ये महिला 5 साल पहले दिल्ली आई थी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए ये महिला दिल्ली आई थी। बाद में इसने यूपीएससी का एग्जाम भी दिया लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। दिल्ली पुलिस को इसकी पढ़ाई पर भी शक है। महिला के मुताबिक उसने बीए, एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी और एलएलएम किया है, लेकिन जब पुलिस ने महिला से कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखने को कहा तो वो लिख नहीं पाई। गुजरात के सांसद के मामले में महिला का दावा है कि सांसद ने उसे बुलाया था, जबकि सांसद का कहना है कि महिला ने 6 महीने पहले उससे संपर्क किया था। महिला का ये भी कहना है कि वो कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर सांसद को लेने के लिए भी गई थी और उसी दिन सांसद ने नॉर्थ एवेन्यू के घर पर रेप किया था और गाजियाबाद में भी रेप किया था। सांसद ने अपनी शिकायत में एक और महिला का नाम भी लिया है, लेकिन आरोपी महिला का कहना है कि वो उस महिला को नहीं जानती। जांच में पता चला है कि महिला हर समय खुफिया कैमरे लेकर चलती थी और उसने घर में भी सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। पुलिस ने महिला के निशानदेही पर कुछ सीडी और ऑडियो क्लिप भी बरामद किए हैं। पुलिस उन तमाम नेताओं और कारोबारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है जिनसे ये महिला पैसे ऐंठ चुकी है। पुलिस को शक है कि महिला के गैंग में 5 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे।